तुम्हारी ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मैं चुप रहा तो ये गलत तथ्य पेश करेगा, ये देश का अपमान है। ये तल्ख तेवर दिखाए हैं देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, जो कि राज्यसभा में सभापति भी हैं। तल्ख तेवर इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने जो कुछ भी ब्रिटेन में कहा, उनके तमाम बयानों से धनखड़ बेहद नाराज हैं और एक के बाद एक तमाम बातें कहते हुए उन्होंने राहुल गांधी को जमकर लताड़ा है। बतौर राज्यसभा सभापति भी उन्होंने एक के बाद एक कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो आपको जाननी चाहिए। आपको बता दें कि जगदीप धनखड़ पूर्व कांग्रेस सांसद कर्ण सिंह की किताब के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे और यहीं पर उन्होंने राहुल गांधी की उस बात का जिक्र किया जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि संसद में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है, उनके माइक ऑफ कर दिए जाते हैं। राहुल गांधी के ये आरोप सीधे तौर पर आप देखें तो कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ पर ही लगते हैं, क्योंकि चेयर पर मोस्ट ऑफ द टाइम वही होते हैं। इसी पर जगदीप धनखड़ ने प्रतिक्रिया दी है और कई सारी बातें कही हैं, यहां तक कि उन्होंने इमरजेंसी के वक्त को भी याद किया। राहुल गांधी की लंदन में की गई टिप्पणियों पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि दुनिया हमारी ऐतिहासिक उपलब्धियों और फंक्शनल जीवंत लोकतंत्र की सराहना कर रही है। हम में से कुछ, जिनमें सांसद भी शामिल हैं, वे बिना सोचे समझे हमारे सुपोषित लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुचित अपमान करने में लगे हुए हैं। धनखड़ आगे कहते हैं, हम तथ्यात्मक रूप से अपुष्ट कथा के इस तरह के मनगढ़ंत आयोजन को कैसे सही ठहरा सकते हैं और टाइम को भी मार कर सकते हैं। G20 का अध्यक्ष होने के नाते भारत गौरव का क्षण बिता रहा है। देश के लोग हमें बदनाम करने के लिए अति उत्साह में ओवर टाइमिंग का काम कर रहे हैं। हमारी संसद और संविधान को कलंकित करने के लिए इस तरह के गलत अभियान मोड को नजरअंदाज करना बहुत गंभीर और अस्वीकार्य है। धनखड़ आगे कहते हैं, कोई भी राजनीतिक रणनीति या पक्षपातपूर्ण रुख हमारे राष्ट्रवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता करने को सही नहीं ठहरा सकता। मैं एक महान आत्मा के सामने हूं, इस दुस्साहस पर मेरी चुप्पी। अगर मैं देश के बाहर किसी संसद सदस्य द्वारा किए गए इस आयोजन पर चुप्पी बनाए रखता हूं, जो कि गलत धारणा से प्रेरित है, तो मैं संविधान के गलत पक्ष में रहूंगा। ये संवैधानिक दोष और मेरी शपथ का अपमान होगा। धनखड़ आगे इमरजेंसी की बात करते हुए कहते हैं, इमरजेंसी भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था, लेकिन लोकतंत्र अब परिपक्व हो गया है और इसे दोहराया नहीं जा सकता। मैं इस बयान को कैसे सरल बना सकता हूं कि भारतीय संसद में माइक बंद कर दिए जाते हैं? ऐसा कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? हमारे पास हमारे इतिहास का एक काला अध्याय था, इमरजेंसी की घोषणा। किसी भी लोकतंत्र का सबसे काला दौर हो सकता है, लेकिन भारतीय लोकतांत्रिक राजनीति अब परिपक्व हो गई है और इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। धनखड़ यही नहीं रुके, वो आगे कहते हैं, देश के अंदर या बाहर जो कोई भी ऐसा कहता है वो देश का अपमान है। उन्होंने कहा, कल्पना कीजिए कि लगभग 50 मिनट तक सदन में रहने के बाद ऐसा किया जा रहा है। हमारे लोकतांत्रिक ताने बाने और मूल्यों को नष्ट करने के लिए किसी प्रकार के प्रचंड दुस्साहस को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैं राजनीति में हितधारक नहीं हूं, मैं पक्षपातपूर्ण रुख में शामिल नहीं हूं, लेकिन मैं संवैधानिक कर्तव्य में विश्वास करता हूं। अगर मैं मौन धारण करता हूं तो इस देश में विश्वास करने वाले अधिकांश लोग हमेशा के लिए खामोश हो जाएंगे। हम इस तरह के नैरेटिव को प्रचलन और गति देने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। तो ये तगड़ा हमला जगदीप धनखड़ ने राहुल गांधी पर बोला है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर थी कि सदन में करीब करीब 50 मिनट तक बोलने के बाद में, क्योंकि राहुल गांधी ने एक लंबा वक्त सदन में अपने भाषण में बिताया था, इतनी देर बोलने के बाद भी अगर इस तरह के वक्तव्य दिए जाते हैं तो ये बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। हालांकि बार बार जिस बात का जिक्र जगदीप धनखड़ कर रहे हैं वो ये है कि बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अपनी चुप्पी को तोड़ने की बात वो कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर क्या इशारों में वो ये कहना चाहते हैं कि आने वाले वक्त में क्या राहुल गांधी पर इस पूरे प्रकरण को लेकर जो उन्होंने लंदन में भाषण दिया कोई कार्रवाई भी हो सकती है? क्योंकि उनकी इस बात से, धनखड़ के तमाम बयानों से इस बात का अंदेशा होता है, इस बात की उम्मीद लगती है कि शायद राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई भी इस मामले में हो सकती है, ताकि एक मैसेज जाए कि विदेश में जाकर देश को बदनाम करने का प्रचलन जो है उसे रोका जा सके। आप
धनखड़ के इन बयानों को, उनके इन तेवरों को, उनकी नाराजगी को और राहुल गांधी ने जो किया उनके बयानों को किस तरीके से देखते हैं? आपकी जो भी राय नीचे अगर कमेंट सेक्शन में से आप जरूर लिखें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।